जय हिंद। आइए समझते हैं यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने जो हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए हैं वो कितना सही है, किस हद तक सही है। तो सर, सबसे पहले ये बात समझिए आप कि दो बच्चे यदि आपके पास होते हैं तो आप अपने घर परिवार में भी आप एक से दो कमरा में भी रह सकते। मान लीजिए अगर आप रेंट पर कहीं पर रह रहे हैं बाहर में, तो एक से दो कमरे में भी आप आराम से रह सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा फ्लैट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो समझिए, हाल ही में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून में दो बच्चे ही अच्छे बोला गया है, ये क्यों बोला गया है? आखिर इसमें कोई ना कोई तो कारण होगा। दो बच्चे अच्छे इसलिए हैं कि आपको दो बच्चे को संभालने में, उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी परवरिश में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसों में, कम खर्चे में भी उन सबका मेंटेन कर सकते हैं। देख रहे हैं आने वाले समय में महंगाई कितना बढ़ने वाला है। अभी भी महंगाई कमी नहीं है। क्यों है, क्यों कमी नहीं है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है भाई, सबको चाहिए तेल, सबको चाहिए नमक, सबको चाहिए दाल, सबको चाहिए। और धरती तो उतना ही बड़ा है ना, धरती कोई रबर की तरह तो थोड़ी ना है कि हाँ इतना लमड़ाई, जितना लमड़ाइए उतना लमड़ जाएगा। उसका भी एक लिमिट है, उसका भी एक प्रोडक्शन लिमिट है, उतना ही होगा, उतना ही प्रोडक्शन होगा। अभी आपको ये कानून गलत लग रहा होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आपको ये गलत लग रहा होगा, लेकिन एक लंबे समय में अगर देखा जाए, लॉन्ग पीरियड में देखा जाए, तो ये आगे चल के बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप इसे इस एग्जांपल के तौर पे समझिए ना, आप कोई पेड़ लगाना चाह रहे हैं, कोई पेड़ लगाएंगे, चलिए आम का सीज़न है, आम का पेड़ आपने लगाया, आज पेड़ लगाएंगे तो कल से फल देना थोड़ी ना शुरू हो जाएगा सर। इसके लिए एक टाइम टेबल चाहिए, एक टाइम पीरियड होगा, एक समय सीमा होगा, उसके बाद ही आपको फल मिलेंगे ना। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सैकड़ों सवाल, हजारों सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज आपको बहुत गलत लग रहा होगा, लेकिन इसे लॉन्ग पीरियड में देखिए, आगे चल के भविष्य में सोचिए आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे। सरकार का कहना ये नहीं है कि आप केवल दो ही बच्चे करें, आपके अंदर यदि कैपेसिटी है तो आप पाँच करें, छः करें, आठ करें, दस करें, कोई इसे सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको सरकार से कुछ लेना है, लेने की कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो सर बच्चे दो ही अच्छे हैं। यदि आपके पास इनकम का सोर्स अच्छा है, यदि आप दो से अधिक बच्चे को लालन पालन पोषण में यदि कोई कमी नहीं करते हैं, तो आप तीन कीजिए ना, चार कीजिए ना। इसे सरकार आपके घर में थोड़ी आ रही है, सरकार को मेहनत थोड़ी ना करना है, मेहनत तो आपको करना है ना। आप कैसे पालेंगे ये आप पे निर्भर करता है। अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, महंगी फीस होगी वहाँ पे, महंगी फीस होगी, महंगी किताब कलमे होगी, तो दो बच्चे कम रहेंगे तब तक आप हैंडल कर पाएंगे ना अच्छे से। हर एक बच्चा का अधिकार होता है अच्छा शिक्षा हासिल करे, अच्छा पहनावा पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छे घर में रहें। हाल ही में जो आया है जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस पर वही लोग बोल रहे हैं जो निकम्मा है। निकम्मा इसलिए लगता है कि अगर यदि 5-6 लड़का लड़की जन्मा लेते हैं, उसको हम 18 साल तक पाल पोस कर देते हैं, तो सबको भेज देंगे कहीं ना कहीं कमा के, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लाएगा। जिसके पास 5-7 से अधिक यदि बच्चे होंगे, तो वो पढ़ाने की, उन लोगों को पढ़ाने की कैपेसिटी ही नहीं रहेगी। आप दो बच्चे ही सीमित रखते हैं, तो इसके लिए सरकार आपको फ़ायदा भी तो दे रही है। यदि आप एक ही बच्चा अगर ले करके उसे नसबंदी करवा लेते हैं, तो आप उस बच्चे को 20 साल तक भूल जाइए। मतलब आपको उस बच्चे के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। मुफ्त में इलाज मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, बीमा हो जाएगा लड़का का, उस बच्चे को नौकरी में भी प्राथमिकता मिलेगी। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम केवल एक ही संतान लें, तो आप एक ही संतान कीजिए ना इसके लिए। और सरकार के तरफ से आपको एक मुश्त 80,000 बेटे के लिए मिलेगा और 1,00,000 रुपया बेटी के लिए मिलेगा। रख दीजिएगा उनके भविष्य के लिए, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिएगा, आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब बहुत से लोगों का सवाल ये है कि पहला बच्चा हो चुका है और दूसरा बच्चा यदि जुड़वा हो तो क्या तीन बच्चे कहलाएंगे या दो बच्चे कहलाएंगे? देखिए सर, पहला बच्चा यदि आपका हो गया हो तो सरकार दूसरे और तीसरे बच्चे को ही दूसरे बच्चे ही मानेंगी। टोटल आपके पास संतान तो तीन ही रहेंगे, लेकिन जो जुड़वा बच्चे हुए होंगे वो सरकार की कैटेगरी केवल एक ही गिनती किए जाएंगे। यदि आपका पहला या दूसरा बच्चा दोनों निःशक्त है, यानी विकलांग उकलांग कुछ हो गया होगा, तो आप तीसरा बच्चा गोद भी ले सकते हैं। एक सुविधा ये भी मिल रहा है, यदि आप नसबंदी करवा रहे हैं, नसबंदी करवाने के बावजूद भी यदि बच्चा हो जाता है, तो आपको मुआवजा के तौर पर 50,000 रुपये भी मिलेंगे।
और जो बच्चा होगा वो कानून के दायरे से बाहर हो। नसबंदी कराने के बाद यदि बच्चा होता है तो दूसरा बच्चा ही माना जाएगा और वो सरकार के कानून के बाहर होगा। उम्मीद है आप इसे समझे होंगे। सर, आप ही के जेब पे भारी पड़ने वाला है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार जो भी नीति लाती है, जो भी नियम कानून लाते हैं, बहुत सोच समझ के लाते हैं और ये जनता के हित के लिए लाते हैं। होप आप इसे समझे होंगे। देखिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अफवाह तो बहुत कुछ उठता है, लेकिन अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए। यदि सरकार से आपको कुछ लेना है तो आप सरकार के हिसाब से चले ना। दो बच्चे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? दो बच्चे से आपका गुजर नहीं चल जाएगा? देखिए, सरकार जो भी नियम लाती है बहुत सोच समझ के लाती है, आपके और हमारे भलाई के लिए ही लाती है। यदि आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास सोर्स अच्छा है, तो आप दो से अधिक भी कर सकते हैं, उसके लिए सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाले समय में इस पर भी, दो से अधिक बच्चे वाले पर भी नया कानून बन सकता है। होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।